नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बजट टूर विद ब्रिजेश। आज हम जानेंगे जलंधर सिटी के बारे में। जलंधर सिटी पंजाब का एक प्राचीन शहर है। यह अपने धार्मिक मंदिर और ऐतिहासिक स्थलों के कारण मशहूर है। चंडीगढ़ से पहले जलंधर पंजाब की राजधानी हुआ करता था। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप जलंधर कैसे घूमें, कब घूमें और कहां कहां घूमें। मैं हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा फ्रेंड्स, इसलिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप यहां दोस्तों रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग तीनों ही रास्तों से आप जलंधर पहुंच सकते हो। जलंधर सिटी के आसपास शहर हैं जैसे कुरुक्षेत्र, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, अमृतसर। आप यहां से डायरेक्ट ट्रेन और गवर्नमेंट बसें, प्राइवेट बसों से डायरेक्ट आप जलंधर पहुंच सकते हो दोस्तों। हवाई मार्ग की बात करें तो जलंधर के निकट अमृतसर का हवाई अड्डा पास में ही है, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आप हवाई मार्ग से भी यहां पहुंच सकते हो दोस्तों। रहने की बात करें तो जलंधर रेलवे स्टेशन के नज़दीक आपको होटल रूम्स 800-900 रुपये की बजट में आसानी से वहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। भोजन की बात करें तो आपको यहाँ पे हर प्रकार के भोजन, साउथ इंडियन भोजन, हरियाणवी, पंजाबी, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन भोजन, हर प्रकार के भोजन आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे घूमने के लिए आपको जलंधर रेलवे स्टेशन से ही वहाँ के लोकल टेम्पू और बैटरी रिक्शा, ऑटो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप फैमिली के साथ हो तो आप यहाँ पर ऑटो या टेम्पू बुक करके सारे प्लेसेस आसानी से घूम सकते हो फ्रेंड्स। अगर दोस्त आप अकेले हो तो आप ये सारे प्लेसेस शेयरिंग रिक्शा से भी घूम सकते हो। चलो दोस्तों अब हम जानेंगे जलंधर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों हमारा पहला स्थान है जंगे आज़ादी म्यूजियम। ये जलंधर रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर जलंधर के करतारपुर में स्थित है। ये जंग आज़ादी स्मारक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंजाबी समुदाय द्वारा किए गए योगदान और बलिदान की याद में बनाया गया एक स्मारक और संग्रहालय है। इस स्मारक का उद्देश्य युवाओं के मन में राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत के बारे में ज्ञान का प्रसार करना है। इस म्यूजियम की एंट्री टिकट है पर पर्सन 100 रुपीज़। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है दोस्तों। यह है इस म्यूजियम का फ्रंट गेट। जब इस म्यूजियम में एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता सेनानियों के स्टैचू और उनके पोस्टर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और इस म्यूजियम में कई सारे हॉल हैं जिसमें स्वतंत्रता सेनानी जो देश के आज़ादी के लिए लड़े थे उन सबके पोस्टर्स, चित्र और उनके बारे में उन हॉलों के अंदर बताया गया है। इन हॉलों के अंदर दोस्तों फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। आप इस हॉल के बाहर म्यूजियम की आप फ़ोटो ले सकते हो, वहाँ अपनी पिक ले सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। लेकिन दोस्तों हॉलों के अंदर जो रखी गई प्रदर्शनी को की आप फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं कर सकते हो दोस्तों। फोटोग्राफी नॉट। ये देखिए दोस्तों इस चित्र और प्रदर्शनी में ये दिखा रखा है कि कैसे जलियांवाला बाग कांड में ब्रिटिश सिपाहियों ने अपने भारतीयों कितने लोगों को गोलियों की बारिश से मार दिया था। ये देखो दोस्तों इस चित्र और इस वीडियो में ये दिखा रखा है कि कैसे ब्रिटिश सरकार के सिपाही अपने भारतीय लोगों को कैसे जेल में बंद करके कैसे अत्याचार उनके ऊपर करते थे दोस्तों। आप इस म्यूजियम में आओगे तो आप अपने पुराने इतिहास हिस्ट्री में चले जाओगे, कैसे लोगों ने त्याग किया था, कैसे भारतीय मारे गए, कैसे उन पर अत्याचार होता था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ जानने के लिए मिलेंगी दोस्तों। इस म्यूजियम के बीचों बीच एक बड़ी सी मीनार है। ये मीनार इस म्यूजियम की खूबसूरती को दोगुना कर देती है। इस मीनार के अंदर एक अमर ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता दूं,
ये सारे टूरिस्ट प्लेस आप शेयरिंग रिक्शा से एक बंदा 800 रुपये 700 रुपये से कम 700 रुपये के बजट में ये सारे टूरिस्ट प्लेस जो मैं आपको बताऊंगा जितने भी टूरिस्ट प्लेस के बारे में वो सारे टूरिस्ट प्लेस आप 700 रुपये के बजट में शेयरिंग रिक्शा से एक व्यक्ति आराम से घूम सकता है। हर टूरिस्ट प्लेस के लिए यहाँ पर टेम्पू और रिक्शा हर दो दो चार चार मिनट के में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ये सारे प्लेसेस एक दिन में कवर कर सकते हो। इसके हमारा दूसरा स्थान है दोस्तों देवी तालाब मंदिर। ये मंदिर जलंधर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर जलंधर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर सती माता का दाहिना स्तन गिरा था। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर को दोस्तों यहाँ त्रिपुर मालिनी धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर एक तालाब है जो हिंदू भक्तों द्वारा पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर जो तालाब है चारों ओर, इस तालाब में कलरफुल मछलियां हैं जिसे बच्चे देखकर अत्यंत खुश होते हैं। आप इन मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिला सकते हो, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने। सिंह के मुंह से के अंदर से होते हुए हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। दोस्तों अगर आपने कभी वैष्णो देवी गुफा और अमरनाथ बाबा की गुफा के दर्शन नहीं किए हैं तो आप इनके दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ये दोनों गुफा देवी तालाब मंदिर के अंदर ही आते हैं। इन गुफाओं की संरचना बिल्कुल वैष्णो देवी गुफा और अमरनाथ बाबा गुफा से मिलती जुलती है। इसके अलावा देवी तालाब मंदिर परिसर के अंदर और भी अन्य मंदिर हैं, जैसे राम मंदिर, हनुमान मंदिर और भी भव्य मंदिर हैं इस देवी तालाब मंदिर के अंदर। दोस्तों अब वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे अमरनाथ बाबा की गुफा में दर्शन करने के लिए, जो वैष्णो देवी गुफा के साथ में ही है, बगल में ही है अमरनाथ की गुफा। दोस्तों ये है बाबा अमरनाथ की गुफा। दोस्तों हमारा तीसरा स्थान है सोडल बाबा टेंपल। यह मंदिर देवी तालाब मंदिर से और जलंधर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर बाबा सोडल को समर्पित है। यहाँ पर उनकी समाधि है, जिस समाधि को खूबसूरती से मालाओं से सजाया गया है। इस मंदिर में एक तालाब भी है जिसे बाबा सोडल दा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ तीर्थयात्री पवित्र स्नान करना पसंद करते हैं। हमारा चौथा स्थान है दोस्तों सेंट मेरी कैथेड्रल चर्च। यह जलंधर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलंधर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। इस चर्च के चारों ओर सुंदर सुंदर बगीचे, फूलों से भरा हुआ गार्डन और अच्छे पेड़ पौधों से और भी अच्छा लगता है यह चर्च। हमारा पांचवा स्थान है दोस्तों वंडरलैंड वाटर पार्क। ये सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस है पर पर्सन 800 रुपये। वंडरलैंड पार्क चिलचिलाती गर्मी से बचने और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मस्ती करने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस पार्क के अंदर एक से अच्छी बड़ी छोटी रोमांचक राइड्स हैं और डांस फ्लोर भी है। आप यहां डांस भी कर सकते हैं, पानी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमारा छठा स्थान है दोस्तों पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। यह जलंधर रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर कपूरथला में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी साइंस सिटी में से एक है। यह साइंस सिटी का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल की मां के नाम पर रखा गया है। इस साइंस सिटी का मुख्य उद्देश्य मज़े और मनोरंजन के साथ शिक्षा प्रदान करना है। यह साइंस सिटी सीखने के आनंद का अनुभव करने के लिए संग्रहालय में आने वाले सभी उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यह शिक्षा का एक लोकप्रिय मिश्रण है।
यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और इसमें एंट्री फीस 300 रुपये से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। हर जोन में आपको किस जोन में जाना है, किस थिएटर में जाना है, सबकी अलग अलग टिकट होती है। दोस्तों हमारा 7वां स्थान है रंगला पंजाब हवेली। ये हवेली जलंधर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रंगला पंजाब हवेली एक पारंपरिक पंजाबी थीम वाला गांव है जो विभिन्न गतिविधियों की पेशकश करता है, जहां आप पंजाबी संस्कृति के वास्तविक सार को पूर्ण पारंपरिक तरीके से अनुभव कर सकते हैं। आप यहां पंजाबी संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। यह सुबह 12 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्रेंस टिकट है 600 रुपये पर पर्सन। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जलंधर की सबसे पॉपुलर मार्केट है सदर मार्केट। आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, ज्वेलरी, कपड़े और भी कई चीज़ों की आप शॉपिंग कर सकते हो। और इस मार्केट में अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट हैं, आप खाना पीना भी कर सकते हो दोस्तों। ये सदर मार्केट दोस्तों जलंधर रेलवे स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ शॉपिंग के लिए जलंधर के टॉप मॉल हैं, जैसे पहले नंबर पे है MBD मॉल, दूसरा मॉल है डीलफ द गलेरिया, तीसरा मॉल है कुरु हाई स्ट्रीट। ये थे जलंधर शहर के टॉप प्लेसेस दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बाय।